हेलो फ्रेंड्स, दादी के ढाबे में आपका स्वागत है। आज हमारी दादी बनाने जा रही है पनीर का टेस्टी पिज्जा, बहुत टेस्टी पिज्जा है। तो अभी दादी बताएंगे कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा, पनीर पिज्जा। बच्चे लोग बहुत बाहर से मंगा के खाते हैं, मैंने कहा मैं अपन घर में ही बनाते हैं पनीर पिज्जा। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। इसको हम एक बाउल में डालेंगे। ये देखिए 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 पाव चम्मच हमने इसमें खाने का सोडा लिया है और 1/2 चम्मच हम लेंगे बेकिंग पाउडर। ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। अब इस आटे को हम दही से गूंदेंगे, पिज्जा के आटे को, पिज्जा बेस को। इस सब को हमने मिक्स कर दिया है। अभी मैंने दही मंगाया है बाजार से, चक्का दही है। घर में भी हम जमा सकते हैं दही, घर का दही भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ बाजार में भी बहुत अच्छा मिलता। ये चक्का दही है, इसको हम डालेंगे आटे में, मैदा में। 3 चम्मच में डालती हूँ, फिर मुझे कम लगेगा तो फिर और डालेंगे। इसमें हमें अभी और दही लगेगा, मैं और डालती हूँ। ये देखिए बहुत गाढ़ा दही है, 2 चम्मच में और डालती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको अच्छा सा मैश करना। ये देखिए अब थोड़ा तेल डालेंगे हम। तेल डाल के इसको अच्छा सा मस लेंगे और इसको फिर हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे आटे को। ये हमारा अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा और आटा फूल भी जाएगा। फिर हम इसका पिज्जा बेस बनाएंगे और फिर पिज्जा बनाएंगे। तब तक मैं इस पर काटने डालने के लिए सब शिमला मिर्ची, पनीर, ये सब मैं काट के रखती हूँ। इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। ये हो गया, अब इसको हम 15 मिनट के ढक के रख देंगे। अब मिलेंगे 15 मिनट बाद। ये देखिए अब हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है, ऊंचा करो। पिज्जा बनाने के लिए हमने ये बड़ी कढ़ाई ली है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, सादा नमक ही चलेगा, कोई सा भी नमक आप ले सकते हैं। ये नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कढ़ाई नीचे से जले नहीं, क्योंकि हम बिना ओवन के पिज्जा बना रहे हैं ना, इसके लिए। नमक को बराबर हमने फैला दिए। अब इसके हम अंदर रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपको स्टैंड नहीं, अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं इसके अंदर। कटोरी रख दो, ये दी कटोरी। ये देखिए इसके अंदर हम कटोरी भी रख सकते हैं, ये कटोरी रख दी हमने। और ये मैंने प्लेट में, स्टील की प्लेट है, इसमें मैंने तेल लगा लिया है, इसको हम इस पर रख देंगे। अभी अभी इसको हम प्लेट को अभी नहीं रखेंगे, इसमें हम पिज्जा बेस बना के उसके ऊपर सब टॉपिंग करके फिर रखेंगे। अब हम गैस चालू कर देंगे और इसको 15 मिनट तक ढककर अब हम गैस चालू करेंगे और इसको 15 मिनट तक हम ढक के अच्छा सा गर्म, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बड़ी कढ़ाई है हमारी। इसको हम ढक के रखेंगे, ये अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पिज्जा बनाएंगे। इस कढ़ाई को हम ढक देंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट बाद हम खोलेंगे, तब इसमें हम पिज्जा रखेंगे। पिज्जा 15 से 20 मिनट होगा, ये हमारा पिज्जा बेस तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया। इसको अब हम थोड़ा मस लेंगे, फिर हम पिज्जा बनाते हैं। चालू रहने दो। ये देखिए
देख लो हमारा बहुत अच्छे से हो गया। अब इसके हम गोले बनाएंगे। इसको हम चकले पर और अच्छा सा मसल लेंगे, मालिश कर लेंगे इसकी, ताकि हमारा पिज्जा वैसे बहुत अच्छा बने। दादी आप उस पर तो डालो क्या कहते हैं खुश्की डालेंगे ना, खुश्की भी डालेंगे। खुश्की अगर खुश्की इसके मैंने चार हिस्से करे हैं। इसको हम अच्छा मसल लेंगे, इसको मालिश कर लेंगे चारों को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देख लिया, ये देख लीजिए हमारा पिज्जा बेस बनाने का आटा तैयार है। अब इसको हम बेलेंगे। इस पे हम चकले पर थोड़ा आटा डालेंगे। नमक क्या आटा है? आटा नमक डाल दे। अब इसको हम इस पर रखकर बेलेंगे। इसको हमें मोटा ही बेलना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इसको हमने सब तरफ से एक जैसा बेल लिया है। उठाकर हम ये हमने प्लेट में जो तेल लगा के रखा उसमें रख देंगे। अभी देखिए कांटे वाला चम्मच है, इससे हमको इसको हम हर तरफ से ऐसा निशान बना देंगे, गोद देंगे। ये हमारा पिज्जा बेस तैयार हो गया। अब इस पर हम डालेंगे इस पर हम डालेंगे शेजवान चिली गार्लिक सॉस। बिस्मिल्लाह। चम्मच से हम फैला देंगे इसको। देखते अच्छा बनते कि नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा बेटा। अब इस पर हम डालेंगे रेड चिली सॉस, थोड़ा तीखा भी होना। मस्त दिख रहा है अभी तक तो। इसको भी हम फैला देंगे इसके ऊपर। कढ़ाई हमारी गर्म होने के लिए रखी है, उसमें स्टैंड लगा के हमने रख दिया है। अब ये देखिए मैंने चीज किसके रखी है। अब इस पे हम डालेंगे चीज। इतनी देर में ही सभी खट्टी हो गई है। सब जम गई रहा बेटा, हाथ हाथ किसना थे। ये मैंने इसको पहले से किस ली तो सब चिपक गई। आप इसे हाथों हाथ किसिए, जिस टाइम आपको इस पर डालना है किसी या फिर पिछिए तभी इसको किस के डालें, किसने के ऊपर। देखिए मैंने इस किसने पर किसी इसको किसको चीज को, तो आप भी इस पर किसिए, ये चीज में डाल दे रही हूँ। अब हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्ची। देखिए शिमला मिर्ची भी मैंने कटोरी में काट के रखी है। अब हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्ची। अब इस पर मैंने पनीर के बारीक बारीक पीस काट के रखे हैं छोटे छोटे। अब इस पर हम डालेंगे पनीर के पीस।
तभी तो हमारा पनीर पिज्जा होगा तैयार। बगैर पनीर के पिज्जा अधूरा रह जाएगा। ये देखिए तो वेज पिज्जा बन जाएगा। अभी भी वेज पिज्जा बेटा पनीर का भी। ये देखिए ये देखिए इस पर हमने अब पनीर लगा दिया है। ये देखिए ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसको हम बेक करने के लिए कढ़ाई में रख देंगे बगैर ओवन के। पिज्जा सीजनिंग ये मैंने तैयार बाजार से मंगाया है 10-10 रुपए के पाव जाए सस्ता है ये सब। अब हम इसको पिज्जा पर छिड़केंगे। ये मैगी मसाला है इसको डाल दो। रुको ना मैगी मसाला मैं डालता है। अब इसके बाद इस पर हम डालेंगे पिज्जा ओरिगानो। ये देखिए सेम ही डाल दिए सब दोनों। अब उसके ऊपर हम डालेंगे। बताओ तो सही पहले क्या है। क्या है पिरी 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 सीजनिंग इंस्टेंट पिरी पिरी सीजनिंग इस पर हम डालेंगे। अब ये एक तरह का मसाला है पिज्जा का। अब हमने इस पर सब चीजें डाल दी है। बस अब हमने इसे बेक करना है। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। 15 मिनट से ज्यादा हो गया गर्म हो गई हमारी कढ़ाई। उसे अब हम खोलेंगे। देखिए कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। बहुत गर्म हो गई है। नमक बढ़िया चाट सकते हो और कुछ नहीं। अब उसके ऊपर ये हम पिज्जा रख देंगे पूरा तैयार जो हमने करा। अब इसको हमको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। वापस से ढक देंगे इसको। ये देखिए ये सब हम मध्य कर देंगे। हमें 20 मिनट हो चुके हैं पिज्जा रखे हुए। अब हम इसको खोलते हैं। बहुत गर्म है बहुत संभाल के हमें खोलना है। ये क्या बना है यार। ये देखिए पिज्जा हमारा तैयार है। क्या अच्छा दिख रहा भाई। ये देखिए पक चुका है सब तरफ से। मैं निकाल के आपको बताती हूँ। अरे दादी क्या बना है यार। एक मिनट में फोटो। तो गाइस अभी देखिए दादी की वीडियो बन रही थी। दादी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर दिन एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। और देखिए दादी ने क्या मस्त पिज्जा बनाया है। देखो यहाँ पे पनीर पिज्जा है। पनीर पिज्जा यहाँ पे टमाटर वमाटर सब है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पनीर पिज्जा एकदम मस्त बन के तैयार है। आप घर में बनाइए बहुत इजी है। आप घर में बनाइए सबको खिलाइए और खुद भी खाइए। तो गाइस आज इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह। आप इस पिज्जा को घर में जरूर बनाइए खाइए बच्चों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।